दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आज मैं इडली बनाने वाली हूँ। बीट की इडली रहेगी हमारी। ये चावल है, मैंने भिगो लिया था इसे। ये 5 घंटे हो गए हैं भिगा के। अब मैं इसे मिक्सी में डाल के पीस लेती हूँ। एकदम बारीक पीसना है मुझे। ये देख लीजिए, ऐसे ही पीसना है। सारे मैंने पीस लिए हैं। ये देख लीजिए, ऐसे ही पीसना है। और पीस के मैं साइड में रख दी। तब तक मैं रेडी कर रही हूँ। ये बीट है और गाजर है, दोनों मैं घिस लूँगी। एकदम बड़े बड़े कद्दूकस मैंने कर लिया है। ये देख लीजिए, ऐसे बीट भी घिसा है, गाजर भी घिसा है, ये पत्ता गोभी है, ये भी घिस लूँगी। और इसको भूनने के लिए थोड़ा सा तेल डाला है और राई दूँगी तड़के में। ज़्यादा तेल नहीं डालना है। और पत्ता गोभी सबसे पहले डालूँगी, गाजर डाला है, बीट है, धनिया पत्ती है। सारे भूनूंगी, हल्का ही भुनना है, ज़्यादा नहीं भुनना है। और हल्का सा नमक भी ऐड किया था। अब मैं कुकर चढ़ा दी हूँ इडली का। इसमें तेल लगाई हूँ सांचे में, 1-1 चम्मच। जो मैंने पेस्ट पीसा है चावल का वो डालती हूँ आगे। उसके बाद ये हमारा जो मटेरियल तैयार है ये रखूँगी। फिर से नहीं बनाना, कुछ इस तरीके से ये फूंक के एकदम अच्छी तरह से मिल जाएगा। थोड़ा थोड़ा इसमें ऊपर से डालती हूँ। जैसे इडली फूकेगी सब एकदम टच हो जाएगा, निकलेगा नहीं इसमें से। और मैं चटनी के लिए सिंगदाना भून रही हूँ। धनिया, मिर्चा, लहसुन और सिंगदाने की चटनी बनाऊँगी। नमक डाला है स्वाद के अनुसार। ये चटनी भी हमारी रेडी है। तड़के के लिए राई और कड़ी पत्ता से तड़का लगा दूंगी। ये चटनी बहुत जल्दी बनकर तैयार होती है, बहुत टेस्टी रहती है इडली के साथ। इडली भी हमारी यहाँ पे तैयार हो गई है। 12 से 13 मिनट हो गए हैं। गैस बंद करके मैं इसे नीचे निकाल दी हूँ। ये देख लीजिए, एकदम रेडी है, तैयार है। और हेल्दी नाश्ता कभी भी आप बनाएं, खाएं और एंजॉय करें। ये देख लीजिए कैसे टूट रहा है, अच्छी तरह से फूक भी गया है।